डियर स्टूडेंट्स, पिछले 3 दिनों से कोई भी एपिसोड नहीं आ पाया क्योंकि घर में कुछ ऐसे सीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसके वजह से एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था। हालांकि ये स्टिल परसिस्ट कर रहा है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बहुत हद तक कंट्रोल में हैं। तो हम लोग जो टॉपिक्स कर रहे थे वो टॉपिक्स रेगुलर करेंगे, साथ ही जो हम लोग ऑप्शनल हिस्ट्री और हिंदी की बातें कर रहे थे उस पर भी बहुत जल्द हम लोग बातें करेंगे कि उसे फिर से किस तरह से रीशेड्यूल करें, तो उस पर भी बातें होंगी। वेरी सून हम लोग करेंगे सारे एपिसोड्स। साथ ही जो आपको ये लीजर पीरियड मिलता है उसमें आप ज़रूर पीछे के टॉपिक्स कंप्लीट करें। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप भूलते चले जाएंगे और ये हो रहा है। जो आपको लीजर टाइम मिलता है उसे आप ज़रूर रिवीजन में थोड़ा सा दें। जो कुछ भी आप पढ़ चुके हैं उसे फिर से मुड़ कर भी देखें कि वो कहाँ तक आप पहुँचे हैं या उसमें कहाँ तक आप भूल चुके हैं या याद है। साथ ही यहाँ पर एक बिहार स्पेशल इंग्लिश वर्जन में हमें दिखा, तो आप चाहें तो बुक स्टॉल्स पर जब भी जाएं तो देख लें कि ये बुक कहाँ तक कैसा कितना अच्छा है। हमें ठीक ठाक लगा, इंग्लिश वर्जन में ये बुक हमें दिखा, तो इसे आप देख सकते हैं। और जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे थे वो आज के टॉपिक्स फिर से आ चुके हैं, जिसमें हम लोग एक टॉपिक रिविज़न भी कर रहे हैं। आज टोटल 9 टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक साइंस का कम है क्योंकि रिवीजन में आज हम लोगों ने एक टॉपिक साइंस से ही लिया है, तो इसलिए 2 टॉपिक्स ऑलरेडी साइंस के हो गए, तो हमने 5वां टॉपिक साइंस का कट कर दिया है, तो टॉपिक्स की संख्या आज 9 होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक। एज यूजुअल हम लोग हिस्ट्री से करते हैं। हिस्ट्री में हम लोग दिल्ली सल्तनत आज कंप्लीट कर लेंगे। पिछली बार हम लोगों ने खिलजी और तुगलक किया था, उम्मीद है कि आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा। ये बड़ा फर्टाइल टॉपिक था, अच्छे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली दिखाई देगा आपको इन दोनों से। साथ ही आज जो हम लोग 4th और 5वां वंश दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये 5 वंश का दिल्ली सल्तनत का पूरा स्पैन है, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं सैयद और लोधी वंश। 4th वंश है सैयद वंश, खिज्र खान जिसका संस्थापक था, तो इसके 2-3 शासक हैं, बस उतना ही, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक। सैयद वंश का इसके संस्थापक को आप जान लें, साथ ही इसने रैयत आला की उपाधि धारण की। एक बार UPPCS में ये एग्ज़ाम में आया था कि सैयद वंश के शासकों ने क्या उपाधियाँ धारण की थी, तो रैयत आला की उपाधि धारण की, जैसे राजाधिराज, महाराजाधिराज, इस तरह के टाइटल्स होते थे। साथ ही यहाँ पर आप मुबारक शाह के बारे में भी इस वंश में पढ़ेंगे और तारीख़ मुबारक शाही, तो यहिया बिन सरहिंदी ने इस तारीख़ मुबारक शाही को लिखा, जो मुबारक शाह के दरबारी कवि था। ये सब एग्ज़ाम में आता है, तो ये आप पढ़ें। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लोधी वंश। लोधी वंश में 3 शासक आ गए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी तो संस्थापक था इस वंश का, और 1-2 पॉइंट के बाद सिकंदर लोधी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके समय बहुत सारी घटनाएं घटी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगरा शहर के इसने 1504 में स्थापना की थी, और भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर सिकंदर लोधी से संबंधित। साथ ही इब्राहिम लोधी कुछ मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोधी के टाइम में बाबर से पानीपत का युद्ध हुआ था और मुगल वंश की नींव पड़ी थी इसी इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध में, तो ये भी संदर्भ आएगा, ये अब करेंगे। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई देगा, दिल्ली सल्तनत का शासन अलग अलग राजस्व से संबंधित, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जो अधिकारी वर्ग है वो क्वेश्चन में आता है, और विभाग, कुछ विभाग डिपार्टमेंट्स जैसे दीवाने बंदगान किस तरह का था, दीवाने रसालत, दीवाने अर्ज, ये सब कौन था, दबीर कौन था, बरीद कौन था, ये सब एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये अधिकारी और बहुत सारे विभाग आप ज़रूर करें, एक पेज में बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है बुक में जो हमने आपको बताया है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग ज्योग्राफी से करते हैं। आज हम लोग वेजिटेशन करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, यानी जंगल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड भारत में कहाँ कहाँ पर किस रूप में विस्तृत हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन, ये सब डिटेल्स आप फॉरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर करेंगे। पूरे भारत में जंगलों की स्थिति क्या है, ये कहाँ कहाँ पर किस रूप में विस्तृत हैं, ये सब डिटेल्स आप फॉरेस्ट से रिलेटेड यहाँ पर आप लेंगे, स्पेसिफिकेशन इसके देखें। साथ ही ध्यान रखें कि लूसेंट में यह टॉपिक नहीं है, फॉरेस्ट से रिलेटेड लूसेंट में टॉपिक एक सेपरेट टॉपिक नहीं है। तो जिनके पास केवल लूसेंट है वो नेट पर जाकर जरूर फॉरेस्ट, भारतीय वन या वन संसाधन, इस तरह से, या प्राकृतिक वनस्पति आप टाइप करें या बोल करके आप इसके डिटेल्स यूट्यूब पे देख लें, या आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप नेचुरल वेजिटेशन यानी भारतीय वन या जंगल, ये सब आप करें। दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी का हम लोगों ने जो लिया है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप सीरियसली लें।
उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं, चूँकि हम लोगों ने पॉलिटी समाप्त कर लिया है। रिवीजन का ये टॉपिक हम लोग पीछे के कुछ टॉपिक्स उठा रहे हैं। आज साइंस का टॉपिक है अम्ल, भस्म और क्षार। हम लोगों ने पहले किया था एसिड, बेस और सॉल्ट, अभी रिवीजन में हम लोग इसे फिर से ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एसिड, बेस, इनके उदाहरण, इनका केमिकल फार्मूला कुछ एग्जांपल्स के साथ, साथ ही जितने इमली है, चाहे टमाटर है, चाहे जितने भी तरह के पदार्थ हैं जो एसिडिक हैं, उनका यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आप नोट डाउन करें। कई बार ये डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं वन लाइनर के रूप में। और पीएच वैल्यू ज़रूर आप समझ कर करें, पीएच स्केल में डिटेल्स आप ज़रूर करें कि 0 से 14 के बीच पीएच स्केल में किस तरह से एसिड और बेस का डिमार्केशन है। उसके बाद साइंस का ही एक और टॉपिक है, चौथा टॉपिक, जो हम लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स से लेते हैं। आज केमिस्ट्री का टर्न है, पिछली बार हम लोगों ने किया था लॉज ऑफ मोशन, गति का नियम, फिजिक्स में हम लोगों ने किया था, आज हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं। आज केमिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग पदार्थों के रासायनिक सूत्र कर रहे हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो कई बार, बहुत बार एग्जाम में आता है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लोरोफॉर्म, ये बहुत बार आता है, ये तीनों आपको करना चाहिए। उसके बाद धोबिया सोडा, खाने वाले सोडा, नौसादर, उसके बाद हरा कसीस, नीला कसीस, ये इस बार बीपीएससी में एग्जाम आया था, हरा कसीस किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला पूछा था। तो ये सब यहाँ पर केमिकल फार्मूला एक जगह बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, लूसेंट में वन लाइनर के रूप में दिया हुआ है, इसे आप ज़रूर समझें और रिवीजन करके कुछ इंपॉर्टेंट को कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बिहार से आज कर रहे हैं, इस बार बिहार से हम लोग कर रहे हैं मिट्टी, बिहार की जो मिट्टियाँ हैं, राज्य की मिट्टी किस रूप में, किस तरह से विस्तृत है। पिछली बार मिट्टी से क्वेश्चन आया था 64वीं बीपीएससी के पीटी में, और कुछ लोगों ने इसमें गलत किया था, मिस्टेक किया था, चूँकि नाम हिंदी का कुछ शब्द ऐसा था जिसमें उन्होंने मिस्टेक किया था। तो जब भी हिंदी में कन्फ्यूज़न हो तो आप उसके इंग्लिश वर्जन को ज़रूर देख लें। तो एल्यूवियल सॉइल दिया हुआ था, जबकि हिंदी में दिया हुआ था कछारी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी की जगह पर कछारी मिट्टी दिया हुआ होने के कारण कई सारे लोगों ने मिस्टेक किया था। इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल दिया हुआ है, तो ये क्लियर हो जाता है। तो समझ कर आप सॉइल पढ़ें, मिट्टियाँ पढ़ें बिहार से रिलेटेड। और एक ज़िला हम लोग हर बार लेते हैं, पिछली बार हम लोगों ने भागलपुर लिया था, इस बार ईस्ट को हम लोग छोड़ देंगे, पूर्वी बिहार को छोड़ रहे हैं, हम लोग दक्षिणी बिहार में इन कर रहे हैं। दक्षिणी बिहार का पूर्व की ओर पहला ज़िला है बांका, तो दक्षिणी बिहार का ईस्टर्न साइड में सबसे पहला ज़िला बांका आज हम लोग करेंगे। तो इसके आप ज़रूर मैप देखें, एडजेसेंट कौन कौन से ज़िले हैं ये समझें, साथ ही नेशनल हाईवेज़, उसके बाद कौन सी नदियाँ हैं, क्या जंगल की स्थिति है, पहाड़, पर्वत, हाईलैंड्स, इसे आप समझें। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी लेते हैं। एनसीईआरटी में हमने आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी कहा है, अब कई लोग कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, पटना में बहुत इजीली मिल रहा है, मुखर्जी नगर में भी मिल जाता है, दिल्ली में और दूसरी जगहों पे आपको दिक्कतें होंगी, प्रयागराज में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन और कुछ विशेष अगर ज़िलों में आप चाहेंगे तो ये नहीं मिलेगा। अब इसका उपाय भी हम लोग देखेंगे कि क्या हो, लेकिन अगर संभव है तो ये आप लें, ये बहुत अच्छा है। इसमें बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे हुआ, वहाँ से स्टोरी है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से पलासी से लेकर सिराजुद्दौला के आने के बाद पलासी से बक्सर के बीच की स्थिति कैसे बनी, क्या क्या हुआ, कौन अंग्रेजी सेनापति था, कहाँ पर युद्ध हुआ, कहाँ पर भारतीय पक्ष लड़े, क्या कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ बनकर आईं, क्या निर्मित हुआ, क्या घटनाक्रम था, इसे समझना है। एक बार मेंस में हमें याद है कि बीपीएससी में आया था 5-6 साल पहले कि पलासी से लेकर बक्सर के बीच की स्थितियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो ये बीच का जो स्थिति है, साथ ही आपको डायरकी दिखेगा, द्वैध शासन यहाँ पर, तो द्वैध शासन क्या है इसे समझना है। उसके वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेसली है, कॉर्नवालिस है, इसकी नीतियाँ जो अंग्रेजी शासन के सुदृढ़ीकरण में, कंसोलिडेशन में निर्णायक थी, इसे आपको समझना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ। साथ ही कुछ मराठों और कुछ क्षेत्रीय शासकों से संबंधित भी छोटे छोटे पक्ष यहाँ पे आपको दिखा देंगे, डलहौजी तक स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग एक करते हैं प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमी। इकोनॉमी हम लोग बुक से न करके प्रतियोगिता दर्पण से कर रहे हैं, चूँकि करेंट बेस्ड इकोनॉमी ज़्यादा आता है। अब पूरा इकोनॉमी हम लोगों ने मार्च का कर लिया है, अप्रैल का कर लिया, इस बार हम लोग मई का प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिक परिदृश्य करेंगे। इकोनॉमी में हम लोग पीटी से कर रहे हैं, आर्थिक परिदृश्य कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आपको बहुत सारे उदाहरण दिखाई देंगे और एग्जाम में यह दिखता है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि भारत सरकार की आय और व्यय
किस प्रकार 2018 में रही, कहां कहां से कैसे पैसे आए, उसका बिजली उत्पादन का डिटेल्स है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किस किस रूप में कितने प्रतिशत हो रहा है, तो इसके डिटेल्स हमें समझने चाहिए। कई बार आ जाता है कि कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे किस प्रकार के हैं, कितना प्रतिशत, नॉन कन्वेंशन सोर्स ऑफ एनर्जी कोयला से कितना उत्पादन हो रहा है और कहां कहां किस प्रकार, तो ये यहां पर डिटेल्स प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है। टेली डेंसिटी दिया हुआ है कि भारत में फोन का, संचार साधनों का किस प्रकार से विस्तार हुआ है और प्रति व्यक्ति जो टेली डेंसिटी है वो किस स्थिति में है। साथ ही यहाँ पर RBI का मौद्रिक नीति दिया हुआ है। मौद्रिक नीति आपको CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो नहीं समझना है क्योंकि ये पुराना हो जाएगा, लेकिन मौद्रिक नीति में इसमें कुछ बदलाव हुआ है, बॉक्स बनाकर दर्पण में दिया हुआ है कि मौद्रिक नीति में अब परिवर्तन किया गया। पहले RBI का पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन अब सरकार ने मौद्रिक नीति में अपने 3 प्रतिनिधियों को कमेटी में डाला है। तो ये परिवर्तन क्या है, सरकार अपना नियंत्रण RBI पर किस रूप में बढ़ा रही है, इसे समझना चाहिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिर लास्ट में यहाँ पर FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बराबर आता है FDI किस देश से कितना आ रहा था, 2018 का डिटेल दिया हुआ हम नहीं बता रहे हैं चूंकि ये क्वेश्चंस के रूप में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम लोग प्रतियोगिता स्तर पर फिर अगेन करंट के लिए करते हैं। इस बार हम लोग अगस्त महीने का कर रहे हैं, करंट मंथ जो चल रहा है अगस्त महीने का, इस बार हम लोग नवीनतम कर रहे हैं, यानी आप करंट कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण में करंट, नवीनतम सामान्य ज्ञान, तो ये चौथा पार्ट होता है PT में जब आप करंट का टॉपिक्स उठाते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक और नवीनतम। तो नवीनतम आप करें, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार फिर से कौन बन गए हैं, रॉ और IB के चेयरमैन बदल गए हैं, डायरेक्टर्स बदल गए हैं, डिटेल्स या सब कुछ बुक्स, कुछ डेज, उनका थीम क्या था, ये सब यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो अगस्त महीने का नवीनतम आपको करना है। और उसके बाद लास्ट में आज का एक टॉपिक जो 2011 की जनगणना हम लोग लेते हैं, ये आप सुपर चीज कर रहे हैं। 2011 की जनगणना से पिछले बार BPSC में 4 क्वेश्चंस थे, सेंसस 2011 से, UPPCS में तो 8-8, 10-10 क्वेश्चन आते हैं एट ए स्टेज 2011 की जनगणना पे। तो सिर्फ आप टॉप 3 स्टेट्स या जिले न करें बल्कि थोड़ा सा इसे समझें। आज हम आपको दशकीय वृद्धि दे रहे हैं, 2011 के जनगणना में डिकेडल ग्रोथ क्या था इंडिया का, तो इसके डिटेल्स आपको लेना है, टॉप 3 स्टेट्स, नीचे के बॉटम के 3 स्टेट्स, इसमें बिहार का भी संदर्भ आ जाएगा, और साथ ही डिकेडल ग्रोथ क्या है, पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, इसके डिटेल्स आप लें, समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2011 की जनगणना आप जो कर रहे हैं ये आपके लिए ऐसी निधि है जो आपको रिटर्न देती है, बड़ा रिटर्न देती है। जब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं बड़े रिटर्न देती है, तो इसे समझ कर करें। तो ये थे आज के 9 टॉपिक्स, आप इसे रिवाइज करके अच्छे से करें। साइंस का 2 टॉपिक्स आ गया, इकोनॉमी का 1 टॉपिक बहुत अच्छा करंट बेस्ड, उसको करंट और 2011 की जनगणना तो ऑलरेडी, फिर हिस्ट्री और फिर आपको फॉरेस्ट करना है, वेजिटेशन करना है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। और संभव हो तो NCERT कर लें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तीसरे दिन 2 दिनों के गैप पर आपको तीसरे दिन टॉपिक्स मिल रहे हैं, इसे आप अच्छे से करें, एग्जाम में इसका ज़बरदस्त आपको रिटर्न दिखाई देगा। टेक केयर।